नमस्कार दोस्तों, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर तीन शहरों की हम बात करेंगे। और कहा जाता है ये तीनों शहर अपने आप में बड़े हैं, बड़े शहर हैं। और तीनों शहरों में पुलिस का बर्ताव कैसा है और नेताओं का बर्ताव कैसा है वह आपको जानने के लिए मिलेगा। लखनऊ में राजभवन, जहां पर राज्यपाल रहती हैं, राज्यपाल महोदया रहती हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता कल प्रदर्शन कर रहे थे और उनको जिस तरीके से मारा पीटा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, वह आप में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड की यादें ताज़ा कर देता है। लोग कराह रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन पुलिस उनके ऊपर दनादन लाठियां बरसाई जा रही थी। यही नहीं, जो वहां पर पुलिसकर्मी जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके बाल पकड़ करके, उनका गला पकड़ करके उनको पीट रहे थे, वह बैज भी नहीं लगाए हुए थे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस वालों को इसके लिए तैयार किया गया था कि आपको बैज नहीं लगाना है, नाम से पहचान नहीं होनी है और आप सीधे तौर पर पिटाई करिए, इन कार्यकर्ताओं की पिटाई करिए। अब सवाल यह है कि अगर इस तरीके की हरकत प्रशासन से करवाई जा रही है, प्रशासन कर रहा है, पुलिस वाले कर रहे हैं, तो क्या यह लोकतांत्रिक है? और विरोध करने का तरीका विपक्ष का है, विपक्ष विरोध प्रदर्शन करेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, सरकार नहीं सुनना चाहती है न सुने, लेकिन अगर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन का दमन किया जाएगा तो यह अपने आप में लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो उनकी मांगे थी वह मांगे यह थी कि परीक्षा न कराई जाए, कोरोना के समय में जो नीट की परीक्षा हो रही है वो परीक्षा स्थगित कर दी जाए। ऐसे में कोई वाजिब मांग भी नहीं थी, एक ऐसी मांग थी जो सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको सरकार को मानना भी चाहिए। और कल की अखबारों में, कल के जो अखबार हैं उसमें हेडलाइन के तौर पर, ज़्यादातर अखबारों ने हेडलाइन के तौर पर इसे छापा भी था कि अब दबाव बन रहा है और सरकार को इस परीक्षा को या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा या तो स्थगित करना पड़ेगा। इस वीडियो को हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे और फोटो के द्वारा भी आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस दमन कर रही है और आम जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, एक पार्टी विशेष के भी बताए जा रहे हैं, वह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पुलिस का यह रवैया देखने को जो मिल रहा है, गिद्धों की तरह नोचने का, गिद्धों की तरह उन्हें परेशान करने का, वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और कानपुर में कहा जा रहा है कि संजीत यादव का जो मर्डर हुआ था वह लगभग 2 महीना बीत चुका है। 1 महीना तक तो पुलिस उसकी लाश भी नहीं तलाश पाई थी और उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं जुटा पाई थी, लेकिन अब संजीत की जो पत्नी, संजीत की जो बहन है, संजीत की जो माँ है, वह चीख चीख कर कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन उसकी लाश को खोज करके ले आए और हमारा भाई कहाँ है और उसके भाई के साथ कहाँ क्या कुछ हुआ, उसकी हत्या करके लाश को कहाँ फेंका गया, उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाए, लेकिन पुलिस आज तक क्लूलेस है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है। संजीत की जो बहन है, उसकी जो माँ है और उसके साथ के 2-4 लोग जो हैं उसके घर परिवार के, वह लोग जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए कानपुर से निकलते हैं तो उन्हें कानपुर में कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है और उनको लखनऊ नहीं आने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलने आ रहे थे और बाकी लोगों से जब मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, घर से निकलते ही पुलिस को जानकारी हो जाती है और पुलिस उनको वहीं पर रोक लेती है। पुलिस नहीं चाहती है कि यह आवाज़ जो कानपुर से चल रही है वह लखनऊ तक पहुँचे। और
अभी तो हाल में यह घटना देखने को मिली कि रास्ते पर संजीत की बहन को घसीट करके पुलिस ने अपनी गाड़ियों में बैठाया और उसको लखनऊ नहीं आने दिया। क्या कोई आदमी या कोई पीड़िता या कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी बात करने के लिए लखनऊ नहीं आ सकता है? क्या इस तरीके का रवैया पुलिस जो अपना रही है वह अपने आप में आम आदमी को हैरान कर देने वाला नहीं है? पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत क्यों नहीं कर सकता है? आप इस वीडियो को देखिए। तीसरी वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद और जहां से वह लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं उस इलाके का है, गोरखपुर का है और उनकी पार्टी से जुड़ा भी है। उनकी ही पार्टी के एक विधायक हैं राधा मोहन अग्रवाल, जिनको लेकर के कहा जाता है योगी आदित्यनाथ से उनकी खासी करीबी रही है और योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट नहीं मिला था तो राधा मोहन अग्रवाल को तो उन्होंने निर्दलीय उनको चुनाव लड़वा करके विधायक बनाया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि राधा मोहन अग्रवाल से कितनी करीबी योगी आदित्यनाथ की रही होगी। अब राधा मोहन अग्रवाल को जब गोरखपुर के ही एक पीड़ित व्यक्ति ने जायसवाल बताया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम जसवाल समुदाय से रहे हैं, उन्होंने फोन किया कि फला समुदाय के लोग हमारी बहू बेटियों पर नज़र रखते हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, लोगों का निकलना दुभर हो गया है, छेड़खानी की जाती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राधामोहन अग्रवाल, उनका कहना है कि या क्या आप जान नहीं रहे हैं कि वर्तमान में किस समुदाय की, किस समाज की सरकार चल रही है? ठाकुरों की सरकार चल रही है और आप इस तरीके की शिकायत करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी और क्या कुछ कहते हैं राधा मोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोरखपुर से, उनकी यह ऑडियो जो लीक हुई है वह एक तरीके से वायरल हो रही है और सरकार की भी एक तरीके से जगहंसाई भी हो रही है। आप खुद इस ऑडियो को देखिए और फैसला करिए कि क्या पुलिस, सरकार और एक विधायक का इस तरीके का रवैया सही है और क्या यह लोकतांत्रिक है? राधा मोहन विधायक जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं चतुर्भुज प्रसाद बोल रहा हूँ, आर नगर, भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री। विधायक जी, विधायक जी जरा आपसे एक रिक्वेस्ट था, एक काम था। अपने विधायक से क्यों नहीं बताते? नहीं नहीं, गोरखनाथ क्षेत्र का मामला, इसलिए विधायक जी आपको जो है फोन करना पड़ा। बताइए बताइए विधायक जी। हमारे अलीनगर में हमारे रमेश जायसवाल जी हमारे भैया हैं, रामनगर में गोरखनाथ के पीछे रामनगर जी, वहाँ पे उनके एक रिश्तेदार रहते हैं जी, सुभाष जायसवाल। उनके घर में जो है उनकी जवान लड़कियां हैं जी, और वहीं पे एक ठाकुर परिवार रहते हैं जी। सर ठाकुर परिवार नहीं रहते हैं, परिवार रहते हैं। हाँ ठाकुर परिवार रहते हैं, भाजपा में रहते हैं, ठाकुरों की सरकार चल रही है जी। और आप ठाकुर परिवार की बात कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं गलत वो? हाँ तो वही सर, बनियों की सरकार कभी चलती है सर? जरा ठाकुरों से ठीक से रहिए, ठाकुर परिवार मत कहिए, डर के रहिए। आगे बताइए सर। हाँ। तो जो है लड़कियां उनके, जैसे जायसवाल जी के परिवार में लड़कियां हैं और कई दो तीन चार महीनों से ये लोग बदतमीजी कर रहे थे सर, और उसके बाद जो है परसों जो है रिश्तेदारियों होने के नाते रमेश जायसवाल जी और इनके लड़के गए समझाने के लिए, और समझाने गए रात में 8 बजे की बात है, और जब समझाने गए तो मारपीट लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें प्रिंस रमेश जायसवाल जी के लड़के प्रिंस जायसवाल जी का पूरा शकल भी फट गया और सर भी फूटा है, उधर भी चोटें आई हैं। लेकिन एसओ साहब, गोरखनाथ एसओ साहब एक तरफ के एप्लीकेशन को लेकर के एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, बात करने पे कह रहे हैं कि ऐसा है हमको आप सिखाएंगे कैसे कार्रवाई करना है। कौन है एसओ वहाँ सर? एसओ साहब का तो नाम हम नहीं जान पा रहे हैं।
राम आज्ञा सिंह नाम है। क्या आपको सबूत है कि वहाँ सचमुच छड़कानी हुई है? सर वो लड़कियां हैं और उनके परिवार के लोग ही जो कहेंगे वही तो सब समझ में आएगा। नहीं तो अब तक छड़कानी को लेके आपने कोई शिकायत किया था? सर परिवार की बात, परिवार की लाज लज्जा, फिर बताइए मार होने के बाद आपने कब 4 महीने से छड़कानी हो रही थी सर, और आज आप आरोप लगाएंगे तो कोई मानेगा? सर 2 दिन से बैठाए हुए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक सर नहीं हुआ। हमारी बात आप समझने की कोशिश करो। जी सर, वहाँ दो पक्षी लड़ाई हुई, जायसवाल जी बनाम ठाकुर साहब। जी सर अब जायसवाल जी कह रहे हैं कि 4 महीने से हमारी लड़की छेड़ी जा रही थी। जी सर, तो 4 महीने से जायसवाल जी कर क्या रहे थे, क्यों नहीं शिकायत किया था उन्होंने? सर लोक लाज की लज्जा से, और सर बात लोक लाज है तो लोक लाज करिए, फिर पुलिस तो कहेगी ना कि आज आप पेशेबंदी कर रहे हैं। जी सर पुलिस तो ये कहेगी ना कि आज मार हो गई आप लोगों की। जी सर, तो आप जी जबरन सर, घर की लड़कियों को बीच में ला रहे हैं। जी सर, आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात सब मान रहे हैं सर। वही पुलिस कह रही होगी। जी सर, तो फिर कैसे सिद्ध होगा कि लड़कियां छेड़ी गई हैं? सर अब जो जैसे सर अब जानते हैं यहाँ कितनी बड़ी लड़कियाँ हैं है? नहीं पारिवारिक और व्यवहारिक कहने से नहीं चलता लड़ाइयों में। जी कितनी बड़ी लड़कियाँ हैं? 24-25 साल की बच्चियां हैं सर। वो बयान देंगी? हाँ सर बयान देंगी। वो क्या लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं सर। दोनों बयान देंगी कि हाँ छेड़खानी होती थी? हाँ सर बयान देंगी। वो कितनी बार छेड़ी गई हैं? 3-4-5 महीने से सर यही मामला चल रहा है सर। इन दोनों लड़कियों का बयान लिखवाइए SSP के नाम से। जी सर लिखवा रहे हैं, इन दोनों बच्चियों का नाम बयान। इन दोनों लड़कियों की ओर से अलग अलग चिट्ठी लिखवाइए SSP के नाम से। जी सर, चिट्ठी में लिखवाइए कि इस प्रकार से हमसे छिड़कानी हो रही थी। नंबर 1, हाँ हम लोग लाज के नाते चुप बैठे थे। जी सर, जब बर्दाश्त नहीं हुआ है तो हमारे घर के लोगों ने विरोध किया है। जी सर, जो छिड़कानी कर रहे थे उनको नामजद कराइएगा, बिना नामजद नहीं। जी सर, उसके बाद कहिए कि हमारी मारपीट हुई है तो गोरखनाथ का थाना जो है छेड़खानी करने वालों के साथ खड़ा है। जी सर, ऐसी चिट्ठी SSP के नाम से लिखवाइएगा। आप SSP के गेट पर जाइएगा। जी सर, समझ गए? जी सर, और हमको व्हाट्सअप करिएगा, हम चिट्ठी पढ़ेंगे, तब हम फोन करेंगे SSP को, नहीं तो नहीं करेंगे। जी सर ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा प्रणाम सर, पहले आप चिट्ठी लिखवाओ। हाँ सर, दोनों लड़कियों की अलग अलग, दोनों लड़कियों की दस्तखत कराओ। जी सर, और उस पर किसी का मोहर लगवाओ, किस वकील का। जी सर, तुम लोग बंदियों की तरह लड़ते हो, तुम लोग की लड़ाइयाँ मैं कभी नहीं लड़ सकता। ठीक करते हैं तुम्हारे ठाकुर को लड़ते हैं। सर मैं आपके साथ शुरू से रहा हूँ, तुम लोग की सब नौटंकी भाजपा में मैं देख रहा हूँ। नहीं सर देखिए, वो तो दूसरी बात है, लेकिन सर ये जान लीजिए राजीव क्या है, तुम लोग गुलामी करना तुम लोग के खून में है। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा वो करो, जो मैंने कहा वो करो। जी सर, दोनों की 2 अलग अलग चिट्ठियां बनेंगी। जी सर, आरोप लिखित रूप से लगाए जाएंगे, कौन कौन लड़के कब कब से छेड़ रहे हैं। जी सर, और फिर बताया जाएगा कि SO फलाना है। जी सर, नाम में कहना ना पड़े, मालूम रहे कि वो आरोपी भी सिंह है और ये थानेदार भी सिंह है, समझे? ठीक है सर, ऐसी चिट्ठियां स्पष्ट रूप से सिंह का बिना उल्लेख किए कि वो ठाकुर है। जी सर, लेकिन उनका नाम अगर राधा मोहन सिंह है तो वो है ना। जी सर, उसको छिपाने की भी जरूरत नहीं है। जी सर, पूरी चिट्ठी लिखो, कई कापी बनाओ, आज ही SSP को देना है, आज ही अखबारों में देना है। जी सर ठीक है, लड़ोगे तब हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो नहीं। सर मैं लड़ूंगा और आपके साथ ही देखता हूं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे सर। दोस्तों हमने आपको 3 ऑडियो वीडियो दिखाए, तीनों में आप देख रहे होंगे कि पुलिस का रवैया क्या है, चाहे वह लखनऊ हो, कानपुर हो या गोरखपुर हो। कहीं पर पुलिस चुप है, कहीं पर पुलिस पीट रही है, कहीं पर पुलिस नोच रही है, कहीं पर विधायक सरकार ठाकुरों का होने का हवाला दे रहे हैं। इस तरीके के हालात अगर पैदा हो रहे हैं तो यह निश्चित रूप से शर्मनाक है और आम आदमी भी हैरान परेशान है। नमस्कार।